अगर आप कम समय में लंच और डिनर के लिए कोई अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यह कुकर में बनने वाली सोयाबीन पुलाव ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे मैंने सिर्फ 10 मिनट में बनाया है। ये सोयाबीन पुलाव बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो मैंने 2 चम्मच घी गरम किया, घी के साथ मैंने जीरा के साथ तुरंत ही मैंने प्याज डाल दिया, क्योंकि घी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने जीरा के साथ साथ ही प्याज को डाला, नहीं तो जीरा जल जाता। अब मैं क्या करूँगी, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक लगातार चलाती रहूँगी। अगर आप इसकी प्रिपरेशन पहले से करके रखते हैं तो ये 10 मिनट से भी कम समय में बन जाती है। ये खाने में अच्छी तो होती ही है, साथ ही ये प्रोटीन रिच फूड है। सोयाबीन को मैंने 10 मिनट पहले गर्म पानी में सोख होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश किया। अब मैं इसे ऐड करके इसे 2 मिनट के लिए भून रही हूँ। 2 मिनट जब सोयाबीन भून जाएंगे तब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। चावल को भी मैंने थोड़ी देर पहले धो के रख लिया था, इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया था जिससे कि ये ड्राई फॉर्म में आ जाए। चावल डालने के बाद भी मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा हुआ है ताकि ये चावल और सोयाबीन अच्छे से भून जाए। अब मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले, चीनी 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए और भून लूँगी। जब तक चावल भून रहे हैं मैंने दूसरी साइड चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने 3 कप चावल लिया है तो उसके अनुसार मैं लूँगी इसमें 5 कप पानी। पानी इसमें हल्का गर्म करके ही डालें। पानी डालने के बाद इन सबको सीटी लगाने से पहले एक बार इसे चम्मच से आप इसका टेस्ट चेक कर लें ताकि आपको नमक और चीनी का बैलेंस पता चल जाएगा, और आपको जिस चीज़ की कमी लग रही हो ना आप उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें। उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगाकर इसको मीडियम फ्लेम पर बस 1 सीटी आने दूंगी और इसका प्रेशर मैं खुद से निकलने दूंगी। ये देखिए पुलाव कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें आप चाहे तो और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते थे, पर मुझे सिर्फ अभी सोयाबीन का ही पुलाव बनाना था तो मैंने सिर्फ सोयाबीन का पुलाव बनाया। अगर आपको ये 10 मिनट में बनने वाली ईजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन तो दबाना ज़रूरी है, तभी तो आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैंने इस सोयाबीन पुलाव को चने की मीठी दाल के साथ सर्व किया। इस चने की मीठी दाल की रेसिपी मैं जल्द ही शेयर करूँगी। थैंक यू।